बिहार राज्य के गया जिला के मोहरा प्रखंड के रिलो नदी पार गांव में लगभग 50-60 घरों के परिवार निवास कर रहे हैं। यहां 20 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन जिस जमीन पर घर बना हुआ है उस जमीन का कोई कागजात नहीं है। यह जमीन गैरमजरूआ जमीन है। आप इस घर में कब से रह रहे हैं? हम लोग इस घर में 20 साल से रह रहे हैं। इसके पहले हम लोग नदी के उस पार रहते थे। जमीन के कमी के कारण हम लोग को इस पार आना पड़ा। तो इस घर में तो इस जमीन का कागजात है? नहीं है। बिना कागजात के रहने में इस घर में या इस जमीन पर रहने में कोई आपको परेशानी होती है? परेशानी तो नहीं होती है, मगर डर लगा रहता है कि जमीन से कोई हटा नहीं दे हम लोग को यहाँ से। हम लोग के बहुत परेशानी है भैया जी। अपना ही कागज बन जाता तो कहाँ दूसर को झंझट करता है। दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ही होता है, कोई भी आता है गृहस्थ लोग तो बोलता है कि यहाँ पर से तुम लोग घर में जरूरत से हट जाइए। यही परेशानी थी। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के फरमाना बना दीजिए तो ठीक से रहेंगे। सरकारी कर्मचारी आए, बोले कागज बनेगा, लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिससे कालिया देवी के बच्चों को आवासीय प्रमाण पत्र और इंदिरा आवास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आपके पास कागजात नहीं है, तो इसके लिए आप कहीं सरकारी कर्मचारी के पास आवेदन किए थे? बहुत बार किए हैं हम लोग, मगर आता है तो खाली बोल देता है कि ये हो जाएगा और फिर चला जाता है जी। कई बार नहीं दिए थे, कई बार आए हैं, चेक करते जाए, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं दिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि देंगे देंगे, जब आता है तो कागज बना को चल जाता है, नाम लोग को चल जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कब आया था वो लोग? जी साल भर हो गया सर। मैं चाहता हूँ कि मोरा प्रखंड के जिलो नदी पार गांव में घरों का जमीन का कागजात बहुत जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि कालिया देवी की तरह और भी ग्रामीणों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीओ का मोबाइल नंबर 9471-69-40-63 पर कॉल करके समुदाय का सहयोग करें। मैं अमित कुमार, घर उरेल, गया जिला बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।